हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे मूंग दाल का चीला, ग्रीन ग्रीन चीला। तो यहाँ मैंने खड़ी मूंग ली है, ग्रीन वाली जो खड़ी खड़ी मूंग आती है उसको मैंने रात भर भिगो दिया था। और रात भर भिगोने के बाद ये ऐसे कुछ फूल जाती हैं और इसको मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। और आप धुली हुई मूंग भी ले सकते हैं, बट इसमें फाइबर ज़्यादा होता है तो इसके लिए मैं ये वाली मूंग लेती हूँ। अच्छा, बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि मूंग का चीला तवे से उतरता नहीं है, तो उसके लिए एक टिप्स है कि आप इसमें थोड़ा सा बेसन या थोड़ा सा सूजी मिला सकते हैं। यहाँ मैंने स्वादानुसार नमक मिलाया है, थोड़ा सा गरम मसाला मिलाया है, थोड़ी सी हींग मिलाऊंगी, और अगर आपको हरी मिर्च या अदरक डालना है तो वो भी आप इस समय डाल सकते हैं। पर चूंकि मेरी बेटी भी खाती है तो मैंने हरी मिर्च पीस के अवॉइड की है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा सूजी मिलाया है, आप चाहें तो बेसन भी मिला सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि चीला ना बहुत आराम से तवा छोड़ देता है। तो ये देखिए पिस गया है। मैं ऊपर से ग्रीन चिली और प्याज मिला रही हूँ, जिससे कि ग्रीन चिली अगर मुंह में आए तो मैं उसको निकाल सकूँ। आप चाहे तो इसमें पीस भी सकते हैं। अच्छे से मिक्स किया, 5 से 7 मिनट इसको रख देंगे, जिससे कि सूजी फूल जाएगी और इसका बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इसको बहुत अच्छे से पीसा है, छिलके वाली दाल होने के कारण थोड़ी सी मोटी है। चलिए एक हॉट तवा पे इसको फैला लेते हैं। आप पतला मोटा जैसा भी चाहें आराम से कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे तरह से तवा छोड़ देता है, मतलब बहुत आराम से ये निकल जाएगा। तो यहाँ मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बटर, रिफाइंड, जिस चीज़ पर भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। यहाँ मैंने घी डाल दिया है और इसको अच्छे से एक तरफ से सिकने देंगे। अगर ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगा ना, तो दूसरी तरफ से बहुत जल्दी ये सिक के तुरंत तैयार हो जाता है। देखिए ये मेरा चीला बन के रेडी है, लग रहा है ना कितना बढ़िया एकदम। यहाँ मैंने दूसरा भी सेक लिया है, प्लेटिंग भी कर ली है, और इसको सॉस से खाइए, चटनी के साथ खाइए, आम वाली चटनी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। बाय।